आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू के तवी पुल की समय की तस्वीरें यहां पर, युवा रायपुर सभा जो है वो वादी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में शहीद तीन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स को आज श्रद्धांजलि देने के लिए जो है वो यहाँ पर सड़कों पर उतरकर सबसे पहले एक बड़ी रैली यहाँ पर निकाली जा रही है। इन्हें की जड़ को खत्म करना चाहिए, जल्द को जल्द मिलने की बाहर करना चाहिए, इन्हें की लफ्ज में गोली मारना चाहिए, क्योंकि सारे आर्मी के जवान ने अक्सर मारे जाए, कोई नाकामी है बाहर आनी चाहिए, जरा कोई नाकामी है। देख सकते हैं कि हमारे शहीद अमर रहे, जिसमें इंडियन आर्मी के कर्नल मनप्रीत सिंह जी, इंडियन आर्मी के मेजर आशीष जी, डीएसपी हमायूं जमील भट्ट साहब, और राजौरी में शहीद हुए आर्मी के जवान रवि कुमार। अज अस अपने जेड़े चार साढ़े जवान शहीद होए ने, अस उन्हें नमक खाई जाने श्रद्धांजलि देने वास्ते युवा रायपुर सभा जेड़ी टीम निकली है और सारे लोग निकले ने, क्योंकि जेड़ा कल दा पाकिस्तान ने कायरन हरकत की दी है, क्योंकि जदों दी 47 दी साडा बटवारा है सारी पिट्ठी पर हमेशा बार किए गए ने। अस अगे अगर इन्नी मुताला पाकिस्तान तो साड़ी छाती पर वार करानी है, क्योंकि इन्हें हमेशा पिट्ठी पर वार किए, जेल भी इन्हें छाती पर वार किया, इन्हें हमेशा मुंह तोड़ जवाब लभ्या। अस अपने रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री होने इन्नी गल जरूर आखगे, इन्हें की एक सर्जिकल स्ट्राइक उबली होनी चाहिए, इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और जेड़े सारे जवान शहीद होए ने उनके परिवार की साड़ी तरफा बड़ा युवा रायपुर सभा की तरफा एक एम्बुलेंस आई है। चलो तो देख सकते हैं कि इस समय जो है वो युवा रायपुर सभा जो है वो आज सड़कों पर है, और मोदी सरकार से एक और सर्जिकल स्ट्राइक के जाने की मांग यहां पर की जाती हुई। अस बड़े दुखी है इस गल वास्ते, सारा देश दुखी है इस गल वास्ते, आज अस ये युवा रायपुर सभा के इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह अपील करके इस चीज वाजे इनके लिए सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। इनके देख सकते हैं इस समय यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग जो है वो की जा रही है, और तस्वीरें इस समय की जम्मू के तवी पुल से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर युवा रायपुर सभा जो है वो इस समय यहाँ पर सड़कों पर उतरी है, और वहीं सिक्योरिटी फोर्सेज की बात करें तो बड़ा हमला इस समय यहाँ पर जो है वो तैनात किया गया है। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से कल कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में जो है वो आतंकवादियों की तरफ से एक बड़ी कायराना हरकत की गई, जिसमें हमारे तीन जवान शहीद हुए, क्या बोले कहना चाहेंगे इस तरह से हमारे तीन जवान कल कोकरनाग? देखो ये पाकिस्तान हमेशा से कायर था, कायर है और कायर ही रहेगा, तो अगर आज भी मोदी जी ने इनको जवाब नहीं दिया, ये सर्जिकल स्ट्राइक अब बहुत पुरानी हो चुकी है, अगर आज भी अगर देश का सम्मान या देश के लिए हम कुछ करना चाहते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक से भी कोई बड़ी चीज करनी पड़ेगी, वरना ये हमारे शहीद जो इतनी मुश्किल से ऑफिसर बनते हैं, ये एक माँ के वो बेटे हैं जो बिना कुछ कहे हमारे लिए सरदों पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि ये हमारे जवान जो ऐसे शहीद ना हो, तो पाकिस्तान को करारे से करारा जवाब मिलना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। इस समय यहाँ पर अभी फिलहाल एक एम्बुलेंस भी यहां पर इस समय जो है वो जाम में फंस चुकी है, जिसे फिलहाल निकालने की कोशिश इस समय यहां पर की जाती हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक एम्बुलेंस इस समय यहां पर फंस चुकी थी और उसे फिलहाल यहां से जो है वो निकाला जाता हुआ, लेकिन युवा रायपुर सभा जो यहाँ पर आज जो है वो कश्मीर में जो एक बड़ा हमला किया गया जिसमें हमारे तीन जवान शहीद हुए हैं, उसको लेकर आज सड़कों पर आज
शहीदों को शहीद हुए। सिक्योरिटी का बड़ा अमला इस समय यहाँ पर तैनात है। सतवीर सिंह मनाज जी, प्रताप जी क्या कहना चाहेंगे? देखो पाकिस्तान के हूँ चला ठुडे ठुडा की मार समझ पाकिस्तानी है, सुधरने वाला नहीं है। ये ऐसा बेशर्म मुल्क है जेड़े अपने घर खाने ही नहीं है, अपने घर इन्हें लाने ही नहीं है, तो चले ये हिंदुस्तान कने पंगा लैन। मैं आखना अगर सही तरीके अस गड़बा पानी भी डोचना आखना मैं केशव तो समझियो ते तां रुड़ी हुंदा पाकिस्तान। पाकिस्तान का इन्ना बुक्त नहीं है कि हिंदुस्तान का लड़ता है, चोरियां चोरियां का लेखा लड़ता है। और इसी मैं आखना प्रधानमंत्री इसी जवाब एरिया हरकत अंगल लेखा जवाब देने को अगर राष्ट्रवादी सोचने वाल करी रहो तो ऐसे मैं आखा ठुडे मारी मारी पाकिस्तान की सीधा करी जाए। इन्हें पाकिस्तान की हूं जवाब चाहिए, घर में घुसिया जवाब चाहिए। इंया पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, यह बशर्म मुल्क है, बशर्म मुल्क है। सतवीर जी क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ इस पाकिस्तान पे इतनी सर्जिकल स्ट्राइक करो ये उठ ना पाए। खाने को है नहीं घर में, जनता दही मांग कर रही है। इसके लोग भारत को कह रहे हैं कि दरवाजे खोलिए, हम आपके साथ विलय करना चाहते हैं, और ये पाकिस्तानी मिलिटेंसी बुला रहे और पाकिस्तानी समर्थकों के लिए। मैं कहना चाहता हूँ वो दिन बड़ी दूर नहीं जब तुम्हारी बुरी हालत होने वाली है। और मैं ये कहूंगा पाकिस्तान की जनता से, इनके खिलाफ हल्ला बोल कर दीजिए, इन लीडरों को जूतों से मारिए। और मैं तो चाहता हूँ मोदी साहब हमें भी आजादी दीजिए ना, एक बार हम हल्ला बोल करें। अगर हम एक काम करते हैं एक गिलास पानी भी फेंकेंगे ना, ये पाकिस्तान बह जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कहाँ जाएगा। और ये जो कायराना हरकत की है, हम तो सल्यूट करते हैं अपने शहीदों को, शहादत देते हैं, पूरा हिंदुस्तान उनको नम आंखों से विदाई दे रहा है और उनको शशद नमन। लेकिन ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक, ये पाकिस्तान लातों का पूत है, इसको ऐसे तरीके से मारा चाहिए, जूतों जूतों के साथ मारना चाहिए। और इसके समर्थकों को मैं कहना चाहता हूँ बड़ी दिन वो जल्दी वो दिन आने वाले हैं जब पाकिस्तान हमारा हिस्सा होगा और हम लोग बना लेंगे, हमारी आर्मी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बनाएंगे। और जो समर्थक यहाँ पे बैठे हैं ना, उनके लोग मिलने को तैयार है भारत से। आज हम कहें वो हमारे साथ मिल जाए, इनके लोग जूतों जूतों के साथ लाठियों के साथ इन हुक्मरानों को मारेंगे। खाने नहीं तेल लगे कर दी मेला मेला, खाने के लिए क्या है पाकिस्तान के पास, है कुछ खाने के लिए? पाकिस्तान जो है बौखला चुका है, बौखलाया हुआ है। जब बौखलाया तो विनाश काल है, विपरीत बुद्धि, ये हमारे बड़े ग्रंथों में कहा गया है, उसका विनाश काल आ चुका है। खाने को रोटी नहीं है और ये काम कर रहा है। आज तीन हमारे जवान शहीद हुए ना, आने वाले वक्त में देखो इनकी क्या हालत होगी। इनको तो जूतों जूतों के साथ इनके लोग मार देंगे। आपके पाकिस्तान की नेशनल मीडिया में न्यूज नहीं पढ़ते? खाने को रोटी नहीं है, लाले पड़ रहे हैं, सऊदी अरबिया कहाँ कहाँ जा रहा है और वो भीख भी नहीं मिल रही। ये भिख मंगा देश हमारे साथ मुकाबला करेगा? कोई बात नहीं, हमारे शहीद जवान तो शहीद हुए, हम उनको नमन करते हैं, लेकिन तुम्हारे से किस तरीके से बदला लेंगे ये तुम्हें भी याद रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। बिल्कुल तस्वीरें इस समय की जम्मू के तभी पुल से है। यहाँ पर युवा रायपुर सभा जो है वो इस समय यहाँ पर पहुंच चुकी है और कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उसको लेकर आज यहाँ पर इस तरह का गुस्सा जो है वो यहाँ पर युवा रायपुर सभा में यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे इस समय यहाँ पर लगते हुए और काफी ज्यादा गुस्सा, क्योंकि इंडियन आर्मी के कर्नल मनप्रीत सिंह जी और इंडियन आर्मी के मेजर आशीष जी, डीएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस के हमायूं मजम्मिल भट्ट साहब, जो कि कल जो है वो कश्मीर के कोकरनाग में एनकाउंटर के दौरान शहीद हो गए। और बताया जा रहा था कि डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत जो है वो ज्यादा खून बहने के कारण हुई है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर जम्मू के डोगरे जो है वो इस समय किस तरह से जो है आज अपने अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं और लगातार इस समय यहाँ पर प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज? जी देखिए, हमारा जो आज का प्रोटेस्ट था उसे हमने स्थगित कर दिया, क्योंकि तीन जवान चार जवान शहीद हो चुके हैं, उसी वजह से हमने ये अपना जो प्रोटेस्ट था वो उसको हमने स्थगित करके ये स्थगित किया है, ना कि इसको छोड़ा गया। ये अगला प्रोटेस्ट फिर उसके खिलाफ गोविंद गुप्ता का होगा, लेकिन आज का दिन हम श्रद्धांजलि देने आए हैं, इसलिए उन तीनों क्या चारों को श्रद्धांजलि, उनको जितनी जितनी चार जवानों श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ कितने हुए हैं। और आज का दिन बड़ा दुखमय है, पूरा जम्मू कश्मीर क्या पूरा इंडिया है और हिंदुस्तान ही दुखी है, इसलिए आज हमने वो प्रोटेस्ट कैंसिल करके यहाँ पर हमने एक शांतिपूर्ण एक श्रद्धांजलि देने हम यहाँ पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे जिससे हमारे कल तीन जवान जो है वो वादी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कोकरनाग में
इनकाउंटर के दौरान शहीद हुए हैं? देखिए बहुत दुखद बात है कि वो सारे उनमें से कितने जवान थे जिनकी कुछ ही साल अभी नौकरी के हुए थे, ये हमारे सभी के लिए एक दुख की बात है और हम सब एक सैल्यूटरी के तौर पे हम उनके परिवारों के साथ खड़े हैं, अपने देश के साथ खड़े हैं। आज हमारा भी एक प्रोटेस्ट था जिसको हमने स्थगित किया, पोस्टपोन किया, क्योंकि हमें वाजिब नहीं लगा कि अगर आज हमारे जो जवान है वो शहीद हुए हैं तो आज हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनके लिए खड़ा होना चाहिए और हमारे देश का जो कहीं ना कहीं अगर हौसला टूटा है तो उसको बुलंद करने के लिए हमारी आवाज हमेशा आगे रहे। पाकिस्तान अब बुखला चुका है जिस तरह से लगातार अपनी गिनौनी हरकतें अब करने की। देखिए पाकिस्तान तो आजादी के बाद से बुखलाया हुआ है, पाकिस्तान की मत जो है कभी सीधी हुई नहीं है और टाइम टू टाइम इनको जवाब भी मिलता रहा है, चाहे पहले मिला है चाहे आज मिला है। हमें उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप फिर से लेगी जिससे जो पाकिस्तान की बौखलाहट है मैच हारने के बाद या जो भी ऐसी चीजें इनके साथ हो रही हैं, जिनका घर खुद को तबाह है वो हमारे घर में इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, ये सेंटर की सरकार को भी इनको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि हम जो कॉमन लोग हैं हम इनसे परेशान हैं। हमारी तरफ से मोदी सरकार को हमारी तरफ से पूरा मैंडेट है, जितनी पावर्स आप इस्तेमाल पाकिस्तान पे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई भी सिविलियन जम्मू एंड कश्मीर से पीछे नहीं हटेगा, तिरंगा उठा के अगर हमारी जरूरत होगी हम भी साथ जाएंगे, मगर ये जो हर दूसरे तीसरे दिन हमारे जवानों के साथ होता आ रहा है उसको बंद करो, उस पर फुल स्टॉप लगाओ। देख सकते हैं युवराजपुर सभा जो है इस समय यहाँ पर जम्मू में महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास यहाँ पर पहुंच चुकी है, लगातार पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार से सख्त कदम उठाए जाने की जो है वो अपील यहाँ पर की जा रही है, लेकिन गुस्सा जो है वो काफी ज्यादा है। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से कल जो है वो कश्मीर के कोकरनाग में वहां पर इनकाउंटर के दौरान हमारे इंडियन आर्मी के कर्नल और मेजर साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP जो है वो शहीद हुए हैं? बड़ी अफसोस की गल है और देश ने बड़ी बड़ी क्षति है, निकी क्षति नहीं है क्योंकि आर्मी के जवान कन्ने पुलिस के जवान चार लोग साढ़े शहीद हुई है। तुहाड़े चैनल के माध्यम आइए पूरे देश की तरफों देश इयै एक विरोध होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जी 89 तू प्रक्सी वार छेड़ी दी है, किन्ने नौजवान साढ़े शहीद हुई है, किन्ने परिवारों के घर मातम होंगे। तो प्रधानमंत्री आदरण मोदी साहब को इयै अपील है कि पाकिस्तान पर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की जा और पाकिस्तान के चार टुकड़े किए जा जी बार बार एक हरकत करने की कोशिश कर रहा उन्होंने। ये लगता पाकिस्तान बुखलाई चुके का बुखलाई गए चुके का मतलब पिछू चोरी वार करना उनके जेडे लोग नहीं था मुठी बार लोग पूरे जम्मू कश्मीर की बदनाम करने की कोशिश करते तो चैनल के माध्यम कर सुनने वाले और मोदी हमारे साहब तक अगर यह गल पूछती है उन्हें यही अपील करिए कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए और चार टुकड़े हो जाए। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि युवराजपुर सभा के लोग आज फिर से तभी पुल पर यहाँ पर पहुंचे हैं, लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग यहाँ पर की जाती है। आप लोग क्या चाहते हैं कि वाकई में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर राय साझा करें। लेकिन वही इस समय तस्वीरें जो है वो जम्मू से आपको जो है वो दिखाने की कोशिश करते हुए इतने उद्दे पर बैठे हुए हैं, इनको ये समझ नहीं आ रही आज कल हमारे शहीद हो गए जवान, हम इसके लिए चेतावनी देते हैं, पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं, ऐसा कुछ हुआ दोबारा तो यहाँ का डोगरा पाकिस्तान में घुसकर मारेगा। आप देख सकते हैं क्या लगता है कि पाकिस्तान अब बुखला चुका है जिसके चलते इस तरह की कायराना हरकत? बिल्कुल बिल्कुल, उनको पता है कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अच्छे हैं, गृह मंत्री अच्छे हैं, तो अगर पाकिस्तान यही हरकत करता है जो कहते हैं ना यही छुपकर बार करता है, और जब हिंदुस्तान करेगा पाकिस्तान में घुसकर करेगा, हमारे जो शहीद जवान हुए हैं उनका हम बदला लेंगे। और ये हम प्राइम मिनिस्टर को भी बोलना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई वैसे पाकिस्तान में दोबारा होना चाहिए, और जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी हमने जो भी है उनका हमने बदला लेना है। सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक करने की मांग यहां पर जो है वो की जा रही है, तमाम आज जम्मू के डोगरे यहां पर इकट्ठे हो चुके हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज क्या मांग करना चाहेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक होने चाहिए पाकिस्तान को मुंह दबाव एक तमाचा बजना चाहिए इनको। देख सकते हैं कि यहां पर हर किसी का यही कहना कि सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए और जितने भी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं हर किसी में इस समय यहां पर गुस्से की लहर जो है वो देखने को मिलती हुई। प्रधान साहब विक्रम जी क्या कहना चाहेंगे, कल वादी कश्मीर के कोकरनाग इलाके को उस वक्त दलाने की कोशिश की गई जब आतंकवादियों ने अपनी कायराना हरकत दिखाकर हमारे तीन जवानों को जो है वो उसमें शहीद किया। भारत माता की जय और हमारे जवानों की जय जिन्होंने अपनी शहादत दी है। ये कायराना हरकत पाकिस्तान तब से कर रहा है जब देश का बंटवारा हुआ था और हमेशा हमारी पीठ पे वार करता है
और पीठ पे बार करके जब इसने हमारी छाती पे बार करने की कोशिश की है, इसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और हम माननीय प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है हमारे, मैं इनको यही कहूंगा, इनका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। ऐसे लोगों का बख्शा नहीं जाना चाहिए। और जो इनके हमदर्द बने हुए हैं उनको भी गोली मारनी चाहिए, क्योंकि देशद्रोही लोगों का इस देश में रहना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे लोगों को देश से बाहर और गोली मार के खत्म कर देना चाहिए। देख सकते हैं काफी ज्यादा गुस्सा इस समय यहाँ पर युवा रायपुर सभा के लोगों में देखने को मिलता हुआ। और पाकिस्तान को के खिलाफ इस समय जो हो मांग सिर्फ यही की जा रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो करने की जरूरत है। जिस तरह से युवा रायपुर सभा की बात करें तो आज एक बार फिर से युवा रायपुर सभा के तमाम लोग जो है वो जम्मू के तवी पुल पर यहाँ पर पहुंचे हैं और महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास यहाँ पर जोरदार नारेबाजी पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? लगातार पाकिस्तान जब से 370 की मनसूखी की गई है तब से लगातार अब बौखला चुका है और कहीं ना कहीं एक से एक घिनौनी हरकत को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुखद खबर वादी कश्मीर से है, 3 हमारे जवान शहीद हुए। आज जितनी निंदा की जाए पाकिस्तान की उतनी कम है। और हमारे जो जवान शहीद है उनके परिवार वालों के साथ युवा राजपूत सभा जम्मू कश्मीर उनके साथ है। मगर हम लोग माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ये सवाल पूछते हैं कि हमारे लोग कब तक मारे जाएंगे, हमारे आर्मी के और पुलिस के जवान कब तक मारे जाएंगे, जो पिछले 30 साल से यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा हो रहा है, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। और जो लोग बॉर्डर पे जाते हैं उनको पुलिस और आर्मी को अंदर लगा के उन लोगों पर लगाम लगाई जा रही है जो घुसपैठिए हैं। वो घुसपैठिए हम उनके लिए क्या कहें, वो घुसपैठिए हैं, वो टारगेट किलिंग करते हैं तो दबोचे नहीं जाते, वो आम लोगों को मार देते हैं तो पकड़े नहीं जाते। रजौरी के अंदर ढांगरी के अंदर लोग मारे गए थे, आज तक उनका पता कोई नहीं, किन्होंने मारे किन्होंने नहीं मारे आज तक उनका पता नहीं चल सका। तीसरे दिन टारगेट किलिंग होती है, कोई पूछने वाला नहीं। माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब क्या है ये दिन देख रहे थे जम्मू कश्मीर को, यह दिन देखने की एक मेजर रैंक के आदमी जो आर्मी इंडियन आर्मी का सोल्जर है उसको पीठ पीछे से गोली मार दी जाती है, एक जेके पुलिस का उसको पीठ पीछे से गोली मार दी जाती है और बाकी लोगों को पीठ पीछे से गोलियां मार दी जाएंगी। तो जिनका काम बॉर्डर पे था, लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना था, उनको अब गोलियां खानी पड़ेंगी। और आम लगता जो आम जनता है वो कहां सुरक्षित है अगर लोग उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इन मिलिटेंटों के ऊपर लगाम लगानी चाहिए और जहां भी इनका क्लू लगता है इनको उठा के पाकिस्तान के अगर अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट आती है अभी भी तो पाकिस्तान के होना चाहिए। अभी भी पाकिस्तान के गुण गाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो जो पाकिस्तान का गुण गाएगा वो बाहर हिंदुस्तानी नहीं है, ये साफ बात है। मगर मुझे नहीं लगता कि इंडियन हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला भारतीय वंशी कभी पाकिस्तान की बात करेगा। मगर जो अगर कोई है तो वो गद्दार है। इन जो आज जो इंसिडेंट हुआ और पहले जो इंसिडेंट है, हजारों लाखों लोग मारे गए हैं, इन लोगों के ऊपर लगाम लगानी चाहिए और आम जनता को राहत मिलनी चाहिए। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से यह अपील है ऐसे लोगों की शिनाख्त हो कि जो लोग अपने ही घर के दुश्मन बने हुए हैं और पाकिस्तान उस पर बार के बार घुसपैठ करवाता है, पैसे देकर बाहर के लोग भेजकर, मिलिटेंट अफगानिस्तान का हो कहीं का भी हो, अगर यहाँ कभी पैदा होता है वो देश का, वो इंसानियत का नहीं है, वो पूरी हमारी इंसानियत का दुश्मन है। उसका कोई मजहब नहीं, उसका कोई धर्म नहीं, जो भी हो पकड़ के सीधा ही शूट एंड एक्साइड होना चाहिए। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं युवा रायपुर सभा के सदस्यों के साफ तौर पर इनकी यही मांग है कि पाकिस्तान के खिलाफ अब सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, क्योंकि बौखलाया पाकिस्तान लगातार एक से एक बड़ी कायराना हरकत को जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को भी हम ये कह देना चाहते हैं कि तेरी तरफ से भेजे हुए आतंकवादी या तो मारे जाएंगे या फिर पकड़े जाएंगे। ऐसे में इस तरह की घिनौनी हरकतों से दूर रहा। हालांकि तस्वीरें जो है वो जम्मू के बिल्कुल तभी पुल से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस समय जो है वो युवा रायपुर सभा आज फिर से जो है वो घरों से बाहर निकली है, क्योंकि कश्मीर में हमारे 3 सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स को जो है वो शहीद किया गया है। फिलहाल ओम शांति जरूर लिखे और उनकी आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, जय हिंद, जय भारत।